नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भाजपा से मिलकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराने का आरोप लगाया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आगामी 18 अगस्त को छिंदवाड़ा जा रहे हैं, लेकिन उनके आने के पहले ही कांग्रेस ने जमकर विरोध शुरू कर दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक ने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया और सभा को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। परासिया में जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि पूर्व में सिंधिया का परिवार अंग्रेजों का दलाल रहा है। इसके बाद कमलनाथ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई जनकल्याणकारी नीतियां बनाई, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के हाथों बिक गए और दलाल बनकर उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। जिलाध्यक्ष का कहना था कि कमलनाथ के गढ़ में आने से पहले सिंधिया को 10 बार सोचना होगा। सिंधिया के आने पर कांग्रेस उनका पुरजोर विरोध करेगी। समाचार पत्रों पढ़ा, मध्य प्रदेश सरकार को गिराने वाले अंग्रेजों की दलाली करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ आगमन छिंदवाड़ा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आप साथियों से कि उस निकम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को छिंदवाड़ा आने के पहले 10 बार सोचना होगा। उसे कदम यहाँ पढ़ने के पहले उसको बताना पड़ेगा ये छिंदवाड़ा है, माने कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा है। ये कोई ग्वालियर या कोई अन्य जिले नहीं है जहाँ कदम रखने से पहले आपको आने के पहले 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा, छिंदवाड़ा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।